बेटियों को मान सम्मान देने के उद्देश्य से हमीरपुर जिला ने पहल करते हुए हमारी बेटियां हमारी पहचान मुहिम शुरू की है, जिसके तहत जिला प्रशासन के सहयोग से जिला भर की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा खेलकूद के अलावा बेहतर काम करने वाली लड़कियों के उत्साह वर्धन के लिए फोटो के साथ बड़ी होर्डिंग लगाई गई है। साथ ही हर पंचायत की 5 से 6 बेटियों को रोल मॉडल के तौर पर उनके घर के बाहर उनके नाम की पट्टिकाएं भी लगाई जाएंगी। वहीं हर पंचायत में 5 से 6 जगहों पर इन होर्डिंग्स को लगाया जा रहा है, ताकि सभी को पता लगे कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। CDPO हमीरपुर बलवीर बिरला ने बताया कि बेटा बेटी एक समान के उद्देश्य के हमीरपुर जिला में काम किया जा रहा है, और इसके लिए पहल करते हुए ग्राम पंचायतों में उत्कृष्ट काम करने वाली बेटियों की होर्डिंग लगाई जा रही है, तो बाद में घरों के बाहर भी उनके नाम की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो है वो बाल विकास योजना हमीरपुर में एक नई पहल की गई है। हमने हर पंचायत में जो है वो 6-7 बच्चियाँ जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में या कहीं अन्य सरकारी नौकरी में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है या जो सरकारी नौकरी में लगी हैं, उनको जो है वो एक समाज में उनकी जानकारी देने के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए हर पंचायत में जो है हमने उनके नाम के ऑनर बोर्ड बनाए हैं, जिनको कि हर पंचायत में जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। अक्सर लड़कियाँ जो है वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन क्षेत्र के लोगों को जो है वो पता ही नहीं होता है कि उनकी लड़कियां जो है वो किन किन क्षेत्रों में आगे हैं। तो हमने हर पंचायत में जो है वो 5, 6 या 7 वर्करों आंगनबाड़ी वो बच्चियों का जो है वो हमने फोटो लिए हैं, और उस पंचायत में जो है वो उनको हम दीवार पे लगाएंगे, ताकि जब भी कभी पंचायत क्षेत्र के लोग जो है वो किसी भी काम के लिए पंचायत में आए, तो उनको पता लगे कि हमारे जो बच्चियां हैं वो हर क्षेत्र में आगे हैं और लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और उनको जो है एक नई पहचान मिलेगी। और जो बेटा बेटी एक समान का नारा लेके हम चलते हैं, उसमें हम लोग जो है वो सफल होंगे। इसके अतिरिक्त जो है वो एक नया हमने प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में, हर पंचायत में जो है कम से कम 5 बच्चियाँ जो कि रोल मॉडल के रूप में होंगी, उनके घरों के पास जो है वो उनके घर के नेम प्लेट लगाई जाएगी उन बच्चियों को, ताकि अक्सर ये देखा गया है कि घरों में जो नाम की पट्टिका होती है वो पुरुषों के नाम होती है, लेकिन हमने जो है इसको एक नई पहल के रूप में लड़कियों के नाम जो है वो नेम प्लेट लगाने का फैसला किया है, ताकि हम लोग जो है वो बेटा बेटी एक समान के उद्देश्यों को लेकर आगे चलें, और हमारी बेटियाँ जो है जो भी उनके उत्कृष्ट कार्य हैं उन्हें जो है वो हम लोगों तक पहुंचा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि हमीरपुर जिला की 243 पंचायतों में शिक्षा के क्षेत्र, खेलकूद क्षेत्र में या अन्य सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों के उत्साह वर्धन के लिए उनके फोटो को होर्डिंग्स पर लगाया जाएगा, और उसके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को भी होर्डिंग बोर्ड पर दर्शाया जाएगा, और इन्हें सार्वजनिक स्थानों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगाया जाएगा, जिससे लोगों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का पता चल सके। विशेष तौर पे हमने जो इनोवेशन में ऐसा किया है कि जो हर ग्राम पंचायत से 3 लोकल जो चैंपियन बालिकाएं हैं, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या किसी भी दूसरे क्षेत्र में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, तो वो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी बालिकाओं का जो है उनका हम सम्मान कराएंगे, उन बालिकाओं का जो है वो फ्लैक्स बना के उनकी फ़ोटो जो है वो ग्राम पंचायत और कार्यालय में और आंगनबाड़ी में ऐसी जगह पे पब्लिक प्लेसेस में उनका हम फ्लैक्स बनाकर लगाएंगे। और जो ये बेटियां, जैसे मैंने कहा कि हमारे 229 पंचायतें हैं, इसमें 3-3 बेटियां जो है वो चैंपियन होगी, तो उन्हीं के नाम की हम नेम प्लेटें उनके घर में जो है लगाएंगे, ताकि इससे समाज को, सबको जो है मतलब माता पिता को भी उससे अच्छा महसूस हो, बेटियों को भी एक अच्छा, और दूसरों के लिए भी गर्व की बात हो कि हमारे गांव की बेटी जो है जिस तरह से आगे बढ़ी है, और दूसरों को भी प्रेरणा ये मिले। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि बेटियों की उपलब्धि पर प्रशासन बड़े होर्डिंग्स लगाकर सम्मान दे रहा है, ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से बेटियों को और मजबूती प्रदान होगी।
सरकार की पहल तो अच्छी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं और ठीक है, अच्छी बात है, पर थोड़ा सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि बेटियों के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा मतलब ध्यान रखना चाहिए सरकार को। पहल की है सरकार ने जो कि हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए जुड़ी, और सरकार को ये देखना चाहिए कि बेटी की सुरक्षा के लिए अच्छे कदम, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए कि एट अ टाइम पे कानून को बेटियों के लिए बचाने के लिए आए, जैसे कुछ रखी है, कानून की व्यवस्था थोड़ी लापरवाही है बस, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सबसे अच्छी पहल है ये, इससे बेटियों को और मजबूती मिलेगी जो सरकार के लिए अच्छा कदम मिल पा रही है। स्थानीय निवासी सुरेश ने कहा कि बेटियों के हित के लिए बढ़िया काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि बेटियों का सम्मान किया जाना चाहिए और बेटियों को बेटों से कम नहीं मानना चाहिए। अच्छा काम है सरकार का, सरकार तो हर जगह अच्छा काम ही कर रही है। सरकार ने आज तक बेटियों के लिए काफी कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जो भी हमारे ये बेटियों पर क्राइम वगैरह हो रहे हैं, सरकार ने इसके लिए कानून तक बदल दिए, लेकिन मेन बात यह है कि लोगों की मेंटेलिटी कब बदलेगी। जब तक लोग अपनी मेंटेलिटी नहीं बदलेंगे, तब तक चाहे कानून बदलते रहे। सरकार ने मतलब कानून के अनुसार सजाएं देख लिया, फांसी की सजा भी हो गई, लेकिन आज भी सिचुएशन वही की वही है। तो इसमें तो सबसे पहले लोगों को अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी और जो घर से चलती है, क्योंकि माँ बाप का एक ट्रेंड है, लड़का चाहे कितना गलत करे वो लड़के को कभी गलत नहीं बोलते, लेकिन लड़की पर एकदम से सवाल उठा देते हैं। पहले तो लोगों को चाहिए कि बेटे वो थोड़ा सा मेंटेलिटी बदले और बच्चों को भी उसके अनुसार समझाएं, क्योंकि बेटियां तो सभी की हैं, बेटियां हैं तो हमें, नहीं तो बेटियां नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला की 243 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन के द्वारा बेटियों को सम्मान दिए जाने के लिए काम किया जा रहा है और पंचायतों में बेटियों के नाम और फोटो सहित होर्डिंग लगाई जा रही है, जिसकी लोग भी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं।